जैसे कि वे बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं, हाँ जी, वो सब्जियां भी बेच रही हैं, पहले तो बड़े प्रोडक्ट्स ही बेचती थी, आजकल भिंडी टमाटर भी बेचने लगे। जैसे कि आपने रिलायंस फ्रेश देखा है, बिग बास्केट देखा है, ग्रोफर्स है, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से आप लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाँ तो आप हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार की परेशानी आपको हो रही है? परेशानी पहले भैया अच्छी कमाई कर लेते थे यहाँ पे बैठ के, अब रिलायंस वाले सब सप्लाई कर रहे हैं, अब काम हमारा मंदा पड़ रहा है भाई, काम ही नहीं चल रहा है। अभी बड़ी कंपनी वाले तो जो रेट दे रहे हैं उनको तो उतनी रेट पर देना पड़ रहा है सामान, हम तो 5 रुपये भी कम कर देते हैं, कोई 25 मांगे तो 50-20 में दे देते हैं, तो ऐसे है कि हमारे को तो दिक्कत ही हो रही है। अच्छा, पहले क्या था, सेल ज़्यादा थी? और पहले सेल ज़्यादा थी, अब तो बिल्कुल काम कम हो गया है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन कर रहे थे वो सामान पहुँचा देते करते हैं, जो रेट मतलब बैलेंस भी बचता है, ले पैसे वो भी बच जाते हैं। यहाँ पर क्या ग्राहक मोल भाव भी करते हैं? मोल भाव कम करते हैं, हम 25 बेच रहे हैं तो वो बोलते 20 ही देंगे, हम तो 20 में देंगे। बड़ी कंपनियों में जिस रेट का टैग लगा हुआ उसी रेट पर देना पड़ता है। कितने भैया? 100 रुपये हो भैया। 100 कैसे? 70 रुपये का तो आपका तोरी हो गया और 30 रुपये का पत्ता गोभी हो गया। 90 काटना? अरे भैया मैंने पहले रेट सही लगाया आपको। अरे भैया बहुत महंगी सब्जी है। अरे भैया सही लगाया है मैंने तो। अरे भैया सही है। जैसा कि आजकल बड़ी बड़ी मार्केट, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, वो ग्रोसरी का आइटम तक बेचने के आगे है मैदान में, तो इससे हम दुकानदारों को क्या कठिनाई आ रही है, क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारी मार्केट में जो सेल होती थी पहले 25% का हमें लॉस है इस टाइम, वो एक्चुअल में बल्क परचेजिंग है उनकी, सस्ता माल खरीदते हैं और सस्ता माल बेच देते हैं वो, और हमारी इतनी परचेजिंग है नहीं, हमें कोई चीज़ छह लेनी है तो हमें छह चीज़ चाहिए, हमें 12 नहीं ले सकते क्योंकि अगली बार फिर पुराना हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो वापसी नहीं होता है उनका, कंपनी का जो है वो सस्ता लेके सस्ता भेज देते हैं वो। इस टाइम तो मैंने बैठा है कस्टमर को, मगर आने वाले टाइम में हम जैसी दुकानें ख़त्म हो जाएगी तो सर वही रह जाएंगे, तो फिर वो एक वही रेट है जो रेट चलेगा उनका, उनको सबको वही रेट लेना पड़ेगा, बस सीधी बात यह है। जैसा कि आपकी दुकान हम देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 8 से 10 लोगों का स्टाफ होगा तकरीबन, तो क्या इसमें कमी भी आई है? अगर बिजनेस आपका कम हुआ, बिल्कुल, लड़के भी कम हुए हैं, लड़के भी कम हुए, हाँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली पर भी असर पड़ रहा होगा इस चीज़ का। खर्चे सेम के सेम है, बस जो भी है जैसे तैसे काम कर रहे हैं, लड़के निकाल के आके करके, मतलब अब आपका बजट बिगड़ते हुए उसको भी बहुत देखते हुए चलना पड़ रहा होगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है इनके लाइसेंस सही हैं या रद्द करने चाहिए, क्योंकि इससे कई लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है इस वजह से? सर यदि हमारी यदि शॉप को बढ़ाना आगे तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और बेरोजगारी तो फैलेगी इससे, क्योंकि उनके पास तो पढ़े लिखे लड़के चाहिए, और जो पढ़े लिखा कम लड़का है वो हमारी जैसी दुकान में काम करता है, तो सीधी बात बेरोजगारी होनी होनी अपने आप, और हमारी जैसी दुकानें बंद होगी तो बेरोजगार होंगे लड़के। तो आप गवर्नमेंट को या पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग? हमारी जैसी दुकानों को बढ़ावा देना चाहिए, हम तो पहले बोलते हैं ऑनलाइन को थोड़ा कम करें, और जो रेट हैं रेट मार्केट के रेट है वो सेम चले, ये नहीं कि मैं यदि 5 रुपये बेच रहा हूँ तो वो 5-4 रुपये बेच रहा है, एक ही रेट चलना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां मंथली सेल चलाती हैं, क्या उस सेल के टाइम पर आपको नुकसान होता है, दुकानदारी पे कुछ असर होता है? सर पूरा इफेक्ट है, हमें पूरा लॉस हो रहा है, हमें इस तरह कुछ नहीं है।